जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 पे, और हमारा टॉपिक नंबर 4 रिलेटेड है मॉलिक्यूलर आयन से। मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हम लेक्चर फ्लो देखें तो हमने क्या क्या चीजें देखनी है। लेक्चर फ्लो अगर हम देखें, लेक्चर फ्लो इसमें हमने तीन चीजें देखनी है। पहली चीज हमने मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन, फिर हमने इसकी टाइप्स देखनी है और टाइप से रिलेटेड पढ़ना है टाइप्स, और तीसरी चीज हमने फॉर्मेशन किस तरह होती है, फॉर्मेशन प्रोसेस देखना है, फॉर्मेशन प्रोसेस देखना है। मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन प्रोसेस को हमने देखना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने आयन में पढ़ा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आयन बनता है। ये थी बात एटम की। अगर आप मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो जब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, एटम को छोड़ दे, एटम के मुताबिक वो आयन था, अगर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बने। तो मॉलिक्यूलर आयन की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूल। ये थी इसकी डेफिनेशन। या वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर, मॉलिक्यूलर आयन इज दैट आयन विच कैरी पॉजिटिव, दैट आयन विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं। तो जैसे आयन की दो टाइप थी, कैटाइन और एनायन, मॉलिक्यूलर आयन की दो टाइप हैं, मॉलिक्यूलर कैटाइन और मॉलिक्यूलर एनायन, मॉलिक्यूलर कैटाइन और मॉलिक्यूलर एनायन, मॉलिक्यूलर एनायन। मॉलिक्यूलर कैटाइन की अगर हम एग्जांपल्स देखें तो मॉलिक्यूलर कैटाइन की एग्जांपल्स हैं CH4+ N2+ H2+। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको बताऊं कि मॉलिक्यूलर कैटाइन और वैसे कैटाइन में फर्क क्या है, अगर कैटाइन हो नंबर ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो, बहुत सारे एटम्स पर मुश्तमिल कैटाइन भी होते हैं, उसमें और मॉलिक्यूलर कैटाइन में फर्क क्या है, तो कुछ इस तरह देखते हैं कि ये NH4 पॉजिटिव है, क्या ये भी मॉलिक्यूलर कैटाइन है? नहीं। आपने जस्ट ये देखना है, इस चार्ज को इग्नोर करें तो NH4 क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं, ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसके ऊपर चार्ज अगर होगा तो वो मॉलिक्यूलर कैटाइन नहीं होगा। मॉलिक्यूलर कैटाइन के लिए शर्त है कि वो मॉलिक्यूल भी हो और उसके ऊपर चार्ज भी हो। ये मॉलिक्यूल नहीं है, हाँ इसके ऊपर चार्ज है तो ये मॉलिक्यूलर कैटाइन नहीं होगा, ये सिर्फ कैटाइन कहलाएगा। ये जो आपके पास लिखे हुए हैं CH4 पॉजिटिव, CH4 बेसिकली मॉलिक्यूल है, N2 बेसिकली मॉलिक्यूल है, H2 बेसिकली मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूलर कैटाइन है। वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो मॉलिक्यूलर कैटाइन कहलाता है, और वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर एनायन। आप इसी तरह N2- लिख दें तो वो मॉलिक्यूलर एनायन होगा, H2- लिख दें तो वो मॉलिक्यूलर एनायन होगा, CH4- लिख दें तो वो मॉलिक्यूलर एनायन होगा। अब हम देखते हैं कि अबंडेंस किसकी, अबंडेंस होता है पाया जाना, कौन इनमें से पाया जाता है और कौन नहीं पाया जाता, ये बात अगर हम देखना चाहें तो ये जो मॉलिक्यूलर कैटाइन है ये ज्यादा पाए जाते हैं बनिस्बत ये मॉलिक्यूलर एनायन के। मॉलिक्यूलर एनायन ज्यादातर नहीं पाए जाते, मॉलिक्यूलर कैटाइन ज्यादा पाए जाते हैं।